लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। भाषण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि किसानों की कर्ज माफी मेरा वचन, सिंधिया का हाथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर मेरे लिए महज संसदीय क्षेत्र नहीं है, अपितु मेरा परिवार है, वह भी आज से नहीं पीढ़ियों से। पानी दे दो, पानी दे दो। आवाम बैठा लो इनको, आवाम मारो सिंधिया। कोई भाजपाई को खुसर पुसर मत कर देने देना। कह देना कि सिंधिया परिवार के मुखिया ने कहा है कि जो भी व्यक्ति ने सरकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से ऋण लिया हो 2 लाख का, जो राहुल गांधी ने कहा है 2 लाख का कर्जा माफ होगा, वो 2 लाख का कर्जा माफ होगा। और चिंता मत करना, अगर नोटिस आया बैंक से, सारे नोटिस खारिज किए जाएंगे, जिसका कर्जा है 2 लाख तक उसका माफ किया जाएगा, चिंता मत करना। जिंदाबाद सिंधिया, जिंदाबाद सिंधिया। आपका सड़क बना है, आपका मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया 250 करोड़ का, जो मोदी जी और शिवराज सिंह जी कहते थे कागज के टुकड़े पे नहीं बनता। आके देखो कि जब दिल के अंदर ज्वालामुखी तड़प होती है, जब मन में विश्वास होता है, जब मन में विश्वास होता है, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मोदी जी आके देखो, 5 साल में कामयाबी, जो आपने टीका टिप्पणी की थी शिवपुरी की सभा में कि कागज के टुकड़े पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, आके देखो मेरे सतनवाड़ा में 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया। केवल नहीं, जैसे अभी गणेश जी ने कहा, अनिल जी ने कहा, मैं जो गुना शिवपुरी और अशोकनगर के लिए करता हूं, मैं मस्तिष्क से नहीं करता, मैं दिल की गहराइयों से करता हूं आप लोगों के। और चाहे आपकी लड़ाई हो, चाहे आपका विकास हो, चाहे आपकी प्रगति हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जान लगाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में गुना शिवपुरी अशोकनगर और ग्वालियर चंबल संभाग की 50 लाख जनता की आवाज जुड़ी है। तो चाहे रायश्री की सड़कों की बात हो। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.